जी मेरी जो काफ़ी ज़्यादा मसनूआत हैं लेकिन जो इसमें नुमाया हैं उसमें क्रिकेट बैट जिसको हम बल्ला बोलते हैं, हॉकी स्टिक, क्रिकेट बॉल, एक्सेसरीज जितनी क्रिकेट से रिलेटेड हैं जिसमें पैड्स, ग्लव्स, हेलमेट, किट बैग्स, ये जो हैं सबसे इम्पोर्टेंटली ये। बेसिकली ये मेरे दादा ने स्टार्ट किया था 1964 में, उसके बाद मेरे वालिद साहब ने उनका हाथ बिठाया और आज हम लोग थर्ड जनरेशन इसको आगे लेके जा रहे हैं। और हम लोग, मैं अपने मास्टर्स के बाद इस फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया और इसी काम को आगे लेके जाने की। हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्रिकेट बैट है जो प्योरली हैंडमेड है और इसमें बहुत सी स्किल्ड लेबर इन्वॉल्व है। हम जदीद मशीनरी का दौर है, मॉडर्न दौर है, लेकिन हम लोगों का, क्योंकि हमें लेबर को रिटेन करना सबसे बड़ा मसला है, प्रोडक्ट ऐसा है कि जो मशीनरी पे अभी गया नहीं है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा अपने लेबर पर इन्हसार है। ये हमारे यूनिट्स तो 3 हैं और ईच यूनिट में तकरीबन 150 से 200 बंदा काम करता है, जो कि कुल मिला के ऑलमोस्ट 500 से 600 बंदे। ज़्यादा जो मैं समझता हूँ वो यही है कि क्योंकि इस शहर में मेहनत कश लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ये पहले बागड़ तैयार होती है, बागड़ के बाद अगर वो हैंडल लगाते हैं, हैंडल के बाद फिर ये भाई इसको फाइनल टच दे रहे हैं, ये बैट को रंधा लगा के पहले जबकि वुडन मटेरियल पे स्टिक्स बनती थी और आजकल जदीद दौर के साथ हमारी फिनिशिंग, हमारे मटेरियल्स और स्पेशली जो लकड़ी हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंग्लैंड से क्रिकेट बैट के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और यही चीज़ हमारे कंपेटिटर्स से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो क्रिकेट बैट की जो लकड़ी है वो हम लोग इंग्लैंड से इंपोर्ट करते हैं, जिसको इंग्लिश विलो बोला जाता है। उसके साथ अगर हम लोग हैंडल की बात करें तो सिंगापुर से इंपोर्ट किया जाता है, जिसको केन कहा जाता है। केन का हैंडल और इंग्लिश विलो को मिला के एक क्रिकेट बैट तैयार किया जाता है। उसके बाद उसकी प्रेसिंग का प्रोसेस है, उसके बाद उसकी फिनिशिंग का प्रोसेस है, फिर उसके बाद बिलखसूस जो स्टिकरिंग उसके ऊपर होती है वो हमारी इंडिया से आती है और वो उस बैट के ऊपर एम्बोस स्टिकर है जो कि हम उस पर पेस्ट करते हैं और फाइनल तैयारी करके पूरी दुनिया में भेजते भी हैं और बहुत से प्लेयर्स जो हैं इंटरनेशनली भी और लोकली भी इस प्रोडक्ट से खेलते हैं। चेक करो।